ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर फार्माकोलॉजिकल एंड बिहेवियल थेरेपी सो वी विल डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जिस तरह हमने ये देखा कि जो सरेटोनाइन लेवल होता है या नॉर एपिनफ्रीन लेवल होता है वो इसके अंदर इम्बेलेंस होता है और वो डिप्लीट कर जाता है तो दैट्स मीन के एंटी डिप्रेसेंट जो है वो इफेक्टिव होगी इसके ट्रीटमेंट में अगेन दिस इज नॉट योर टास्क दिस विल बी डन बाय द साकेट्रस दैन behavioral therapy यहाँ मैं दोबारा कहूँगी कि अगर बच्चा है और एडोलसनस uh, एज में है, कोई है आपके पास यानी या वो 12, 10, 11 साल की एज से पहले पहले का बच्चा है या वो इससे बड़ा बच्चा है यानी जैसे हम चिल्ड्रन लेट एडल्टड और एडोलसन में डिवाइड करते हैं तो कोशिश करें कि उसको जो इम्प्रूवमेंट है वो थेरेपी के थ्रू आए हाँ अगर उसके अंदर इतनी साइकोमोटर रिटार्डेशन है या उसकी क्राइंग इतनी है या सैडनेस इतनी है कि उसका जो मूड है वही बैलेंस आउट नहीं हो रहा कि आप उसे कम्युनिकेट कर सकें या रेस्टलेसनेस या इरिटेबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें कि उसकी जो थेरेपी है साइकोथेरेपी उसके थ्रू उसकी जो कंडीशन है वो बेहतर हो सके देर आर सो मैनी टेक्निक्स विच वी कैन यूज़ अंडर बिहेवियर थेरारपी लेकिन उसमें से दो जो चीज़ें हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ द नंबर वन इज़ सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड एक्टिविटीज़ कैजल तो सोशल स्किल ट्रेनिंग की जिस वक्त हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इस तरह के बच्चों में सर्टन टाइम जो सोशल है, स्किल्स हैं वो लिमिटेड होते हैं हो सकता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हो वहाँ से उसे रिजेक्शन मिल रही हो माइट भी वो बच्चा बहुत एग्रेसिव है इस वजह से या माइट भी वो बच्चा जो है वो किसी भी वजह से किसी के थ्रू बुली हो रहा है ठीक है तो दैट्स मीन के जो सोशल स्किल्स हैं उसके अंदर वो लिमिटेड है तो सोशल स्किल्स के ऊपर हम वर्क करेंगे ताकि जो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बेटर हो सकें सोशल स्किल ट्रेनिंग के लिए बच्चे को रोल प्लेइंग कराई जा सकती है मॉडलिंग कराई जा सकती है मॉडलिंग के अंदर आप उससे डिफरेंट वीडियोस दिखा सकते हो जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं आप उसे सर्टिवनेस ट्रेनिंग सिखा सकते हो अगर आपको ये लगता है कि बच्चे को बुली किया जाता है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चे को हेल्प करेंगी उसके हेल्दी सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने में देन अगर आप ये देख रहे हो कि बच्चे के अंदर साइको मोटर रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी जो लाइफ की रूटीन है वो डिस्टर्ब हुई हुई है और वो कोई काम नहीं कर रहा तो उसके लिए बच्चे को हम एक्टिविटी स्केजुअल जो है वो दे सकते हैं अब एक्टिविटी स्केजुअल जब आप उसको दोगे तो उसमें आप हेल्प करोगे बच्चे की कि वो अपने पूरे डे का एक जो चार्ट है उसको प्रिपेयर करें अब वो जब पूरा डे का चार्ट प्रिपेयर करेगा तो उसमें उसने पर आवर के हिसाब से अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर वो सुबह छः बजे उठ रहा है तो छः से लेकर सात बजे तक उसने क्या करना है फॉर एग्जांपल उसने अपनी यूनिफॉर्म प्रिपेयर पे करनी है या उसने अपना ब्रेकफास्ट बनाना है या उसने अपने अप फ़ादर के या मदर का कोई काम करना है उनको हेल्प आउट करना है तो जो भी एक्टिविटी उसने उस एक घंटे में करनी है आपने वो वहाँ पर लिखनी है उसके बाद उसने सात से आठ बजे तक क्या करना है फ़ॉर एग्जांपल अपने स्कूल के लिए उसने प्रिपरेशन करनी है अपने आप को रेडी करना है उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट करना है तो वो आपने एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर रखनी है इसी तरह पूरे दिन की एक्टिविटी जो है जितने बजे बच्चा उठता है और जितने बजे वो सोता है वो आपने सारी एक्टिविटीज़ उसमें लिखनी है उसमें आपने उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ भी लिखनी है उसमें आपने उसकी प्लेयर एक्टिविटीज़ भी लिखनी है आपने वो तमाम चीज़ें लिखनी है जो कि वो रूटीन में करता है उसके बाद आपने उससे ये कहना है कि फॉर अ वीक वो इसको चेक करें कि वो ये देखें कि वो उनमें से कौन कौन से काम कर रहा है और कौन कौन से काम वो नहीं कर रहा तो जौन से काम वो कर लेगा उसको उसने टकमा करना है और जौन से काम वो नहीं करेगा उसको वो क्रॉस कर देगा तो इस तरीके से जो उसकी एक्टिविटी लेवल है जो कि कम हुआ हुआ है उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं सर्टन टाइम बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ये काम किया है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया या उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हुई तो जब वन और टू वीक के बाद जब आपको ये लगे कि आप बच्चे की एक्टिविटी लेवल जो है वो इम्प्रूव हो रही है तो आप उसमें मास्टरी और प्लेयर का एलिमेंट ऐड कर सकते हो जिसमें बच्चे ने वन से हंड्रेड के ऊपर ये रेट करना होता है कि उसने कितने बेहतर तरीके से वो काम किया और वो काम करते हुए उसे कितना प्लेयर फ़ील हुआ इस तरह बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता इनसाइड डेवलप होती है कि जो वो काम कर रहा है वो अच्छा भी कर रहा है और उसके साथ साथ उसे प्लेयर भी फील हो रहा है And that helps to counter the uh, sadness feeling of the child.